बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आयुष्मान खुराना ने हाल ही में बताया कि उन्हें 6 साल पहले वर्टिगो नामक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी भी हुई थी, लेकिन आज वह ठीक हैं। लेकिन कभी कभी उन्हें इसके लक्षण दिखाई देते रहते हैं। आयुष्मान ने बताया कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें इस बीमारी का पता चला था। आइए जानते हैं वर्टिगो होता क्या है। अगर आपको कहीं भी चक्कर आए या दुनिया घूमने जैसा लगे या उसे आपका संतुलन बिगड़ने लगे, उसे वर्टिगो कहते हैं। दरअसल वर्टिगो का अटैक अचानक आता है। इसका असर आपके रोज के काम पर भी पड़ सकता है। इसमें आपका परिवेश हिलने लगता है, लेकिन आप वही रहते हैं, लेकिन चक्कर में आप पूरी तरह से अपना संतुलन खो देते हैं और गिर जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्टिगो क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं। वर्टिगो की बीमारी तब होती है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, अगर आपको डायबिटीज़ हो, कान में इन्फेक्शन होने के कारण भी आपको ये हो सकता है, या अगर आपको कोई स्ट्रोक आया हो, वेस्टिबुलर नर्व के सूजन से भी आपको ये हो सकता है, या अगर आपने ज़्यादा बेड रेस्ट किया हो, कोई आपको दिमागी बीमारी हो, या अगर आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आई हो, इन कारणों से आपको वर्टिगो हो सकता है। आइए जानते हैं वर्टिगो के क्या लक्षण हैं। उल्टी आना, जी मचलना, संतुलन की समस्या होना, सर में दर्द होना, मोशन सिकनेस होना, कान में भारीपन महसूस होना और आंखों में नियंत्रण न कर पाना। आइए अब जानते हैं वर्टिगो के क्या उपचार हैं। इसे आप मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं, आप दवाइयां समय पर ले सकते हैं, पर इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वर्टिगो को ठीक करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, बैलेंस ट्रेनिंग लें, योगा करें। इसके लिए आप अरोमाथेरेपी भी करा सकते हैं या फिर आप इसकी सर्जरी भी करा सकते हैं। वर्टिगो कहने के लिए तो एक आम बात है, लेकिन इसके कई गंभीर समस्याएं भी हैं।